हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हम अभी तक क्या कर रहे थे? कुछ डेफिनेशन हमने कर लिया था, और डेफिनेशन हमने कितना कवर किया था? डेफिनेशन में हमने देख लिया था, एक तो कैपिटल देख लिया था, कैपिटल के बाद ड्राइंग देख लिया था, ड्राइंग के बाद हमने देखा था आपका परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, बैड डेट्स, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है लास्ट क्लास में। अब आज का एक कॉन्सेप्ट हम आगे और इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। सब आपने नोट अच्छे से किया था ना? बिल्कुल साफ साफ नोट करना है, क्योंकि जो आपने नोट किया मैंने कहा था कि वो आपका है। ये तो मैं कर रहा हूं, आप जब इसको देख के कॉपी करेंगे, नोट करेंगे, तो वो आपके रजिस्टर में आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम होता क्या है? एक एग्जांपल देखो, मान लो मिस्टर राम, मिस्टर राम एक दुकानदार है, ठीक है ना बच्चे? एक दुकानदार है। इसका दोस्त मिस्टर मोहन, दोस्त मैंने बोल दिया, कस्टमर है ये। ये आता है इसके पास कि सर मुझे अकाउंट्स की बुक चाहिए। जवाब में राम ने बोला, आप एक काम करो, मुझे पैसे एडवांस में दे जाओ, मैं शाम तक मार्केट से मंगवा दूंगा। ये इसको 500 रुपये एडवांस में दे गया। आप मुझे जवाब देना, क्या इसने इसको बुक्स दे दिया? नहीं दिया अभी बुक इसको। तो ये जो इनकम रिसीव किया है ना इसने, है तो वैसे इनकम, अगर बुक दे दे तो नॉर्मल सेल हो जाता, लेकिन अभी ये सेल भी नहीं है, इसने इससे एक एडवांस रिसीव किया है। एडवांस, तो अगर मान लो शाम तक मिस्टर राम बुक नहीं दे पाता, तो इसको इसके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? तो एडवांस इनकम वो इनकम होता है जो कि इनकम कमाने से पहले रिसीव कर लिया जाए, उसको एडवांस इनकम कहते हैं। और ये वापस करना पड़ भी सकता है, तो बताओ मेरे लिए एसेट या लाइबिलिटी? वापस करना पड़ सकता है तो कर्जा है, तो लाइबिलिटी। तो ये क्या होगा हमारा? लाइबिलिटीज। कुछ कुछ वर्ड्स है, दो दो सेकंड के, दो दो मिनट के वर्ड्स है, वो आपने देखना है और उसके ऊपर हमें क्या करना है, फिर आगे काम करना है। इसको एक बार नोट करिए, फिर एक और डेफिनेशन हम देखेंगे। फटाफट से नोट करिए आप। नोट करिए, कर लिया नोट? चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवर, आप मुझे बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हिंदी में? क्या आप सबने सुना है बैंक ओवरड्राफ्ट? कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, तो उन्होंने तो सुना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन जो नॉन कॉमर्स हैं, उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट सुना होगा, लेकिन एक्चुअलिटी होता क्या है, बस उन्हें पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है लगभग। तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी समझेंगे क्या है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो शायद आपको बस देने का पर्पस यही है, नहीं तो ये सारी चीजें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ आपको कि लिख दूँ और इसके आगे हिंदी लिख दूँ, जो लो याद रख लो। तो इतनी सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ में क्या रहती है, याद रह जाती है लास्ट तक, और क्या पता वो चीजें याद रह जाए और वो आपको 1 मार्क्स दिला दे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए क्या होता है। अब आपसे मैं बात करता हूं, सपोज करो टाटा, टाटा कंपनी, सबने नाम सुना है टाटा कंपनी का। आप बताइए इसका ओनर कौन है?
आप सभी को पता है इसका ऑनर है रतन टाटा। रतन टाटा पता है आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है जनरल नॉलेज में भी कि इसके फाउंडर ऑनर, फाउंडर तो नहीं है खैर, ये ऑनर है रतन टाटा। अब रतन टाटा की मैं अगर शख्सियत की बात करूं तो इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है या बेकार है, इसकी रेपुटेशन बताइए। रतन टाटा इसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है और ये मेन इनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता, बहुत सारे ट्रस्टी वगैरह भी है, तो जो रतन टाटा है मेन ट्रस्टी वगैरह के साथ भी काम करते हैं, इनका टाटा ट्रस्ट भी के नाम से भी है, तो उस बात को खैर छोड़ते हैं, हम टाटा की बात करते हैं। टाटा ने अपना एक अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, और ये तो बैंक कौन सा था मैं वो चीज बता देता हूं। मान लेते हैं कि जो बैंक था वो था हमारा, सपोज करो SBI बैंक। तो आपको बैंक का अगर मैं हिसाब किताब बताऊं तो बैंक वालों का मेन इनकम का सोर्स क्या होता है, बैंक का मेन इनकम का सोर्स क्या होता है? अब तो बैंक में SBI वालों ने मिनिमम बैलेंस भी हटा दिया है, तो जो हम जमा करते हैं उससे नहीं है, जो लोन देते हैं। तो जो बैंक वाले लोन देते हैं ना, और हर ब्रांच की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके जो ब्रांच मैनेजर होगा, इसका जो जनरल मैनेजर होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन इन एडवांस दे, और ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दे, सिक्योर टर्म्स में दे। तो ये देखो हमने एक SBI बनाया और ये SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो ब्रांच मैनेजर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका या सैलरी, इन सबको भी कमीशन मिलता है, तो डिपेंड पता है किस पे करता है, कितने एडवांसेस देता है। मान लेते हैं कि रतन टाटा और SBI के बीच में डील चल रहा है, रतन टाटा को अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो जो इसने अकाउंट खुलवाया है SBI में बैंक के अंदर, तो वो अकाउंट पता है कौन सा होगा, वो होगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, सर ये करंट अकाउंट क्या होता है? देखो अकाउंट बहुत तरीके के होते हैं, सेविंग अकाउंट, तो बिजनेसमैन जो ओपन करवाते हैं वो करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की क्या खास बात है? सेविंग अकाउंट में आप दिन भर में या महीने में कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके बाद करोगे तो चार्जेस लगेंगे। करंट अकाउंट में आप दिन भर में 100 बार पैसे जमा करो निकालो, कोई चार्जेस नहीं लगने वाला। तो यही फर्क है, इसके कुछ अलग से चार्जेस भी लिए जाते हैं, ये हमारा करंट अकाउंट है। अब टाटा का बिजनेस है, तो टाटा का मुझे एक बात बताओ कि क्या ये उधार माल खरीदता होगा? बिल्कुल, इसके भी बहुत सारे उधार माल खरीदने को क्या बोलते हैं, याद करो क्रेडिटर बोलते हैं, करा था ना लास्ट क्लास में खरीदना, इसके बहुत सारे क्रेडिटर होंगे, यानी इसका कुछ कोई ना कोई तो क्रेडिटर होगा जिसको पैसे देने होंगे, पैसा इसे देना होगा होगा, ठीक है, याद रखना है क्रेडिटर पैसा देना होता है, और इसके बहुत सारे डेटर भी होंगे जिसको उधार माल बेचा होगा। बिल्कुल सर, डेटर भी होगा, पैसा डेटर से क्या होता है बताइए, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, अरे बोलिए आप, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करिएगा कुछ नहीं फायदा, पैसा लेना होता है इसमें, तो डेटर भी है क्रेडिटर। जो इसका अकाउंट है करंट अकाउंट, इसके अंदर बहुत कई बार करोड़ों रुपए तो आ जाते हैं और कई बार करोड़ों रुपए निकल जाते हैं, तो इसके अकाउंट में डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉल भी होता है। तो कई टाइम पे ऐसा भी टाइम आता होगा कि मान लो इसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं, किसी क्रेडिटर से इसने 200 करोड़ का उधार लिया था, उसी क्रेडिटर को ये क्या करे, फटाफट से पेमेंट कर दे, तो 200 करोड़ निकल गया, तो इसके अकाउंट का बैलेंस क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक सेकंड के लिए जीरो हुआ, जीरो तो हो सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि अकाउंट से पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, यही तो चलता रहता है। इसका एक ड्राइवर है, ड्राइवर ड्राइवर मिस्टर रामू। सर हर बार रामू नाम क्यों लेते हो आप, क्या करें कि आसान नाम यही याद आता है मुझे, रामू, मिस्टर रामू ड्राइवर है। इसने बोला रतन टाटा से, जो टाटा है उससे बोला सर मुझे थोड़ी से ना पैसे दे दो,
सैलरी ड्यू हो गए हैं, मैं बहुत आपका ड्राइवर हूँ, आपके साथ ही रहता हूँ, थोड़ा सा मुझे एडवांस सैलरी दे दिया जाए। रतन टाटा पैसे लेके नहीं था पास में, इसने बोला चलो हाँ यार दे देता हूँ। देने के बाद इसने क्या करा, एक काम करो यार रामू, मैं आपको कैश नहीं देता, एक काम करो आपको मैं चेक दे देता हूँ। रामू ने बोला ठीक है साहब आप चेक दे दे मुझे। रतन टाटा ने एक चेक दे दिया और इसको 5,000 रुपये सैलरी दिए, 5,000 रुपये का रतन टाटा ने, और इसके ऊपर साइन वगैरह कर दिया। अब रामू इस चेक को लेके जाता है बैंक में, बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, ये रहा काउंटर, बैंक में लंबी लाइनें लगी हैं, रामू बेचारा लगा हुआ है। रतन टाटा ने फोन किया, अरे कहाँ रह गए रामू, बोला लाइन में लगाऊं सर पैसे। जैसे ही रामू इसके काउंटर पे पहुंचा, वैसे ही यहाँ का जो कैशियर बैठा होगा, जो कैशियर बैठा होगा, उस कैशियर ने चेक पे अकाउंट नंबर लिखा होता है वो डाला, डालते ही देखा उसने इसमें जीरो बैलेंस है, क्योंकि जीरो हो गया था ना जैसे ही ये पहुंचा, उसी टाइम इसके अकाउंट से 500 करोड़ रुपए निकल गए और इसका अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया। और इस कैशियर ने बोला सर इसमें से 5,000 नहीं निकल सकते इस अकाउंट से, इस अकाउंट पे बैलेंस जीरो है। ड्राइवर ने बोला सही से चेक करो, देखो रतन टाटा जी ने भेजा है मुझे, आप जानते होंगे आपके पास तो सालों से काम कर रहा है। मैनेजर ने बोला देखो मुझे अपनी नौकरी प्यारी है, रतन टाटा ने भेजा हो चाहे प्रधानमंत्री ने भेजा हो, जब बैलेंस जीरो है तो मैं पैसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ये लो चेक वापस ले जाओ। भाई इसका थोड़ा सा इंसल्ट हुआ, ये बेचारा इतने देर तक खड़ा हुआ और ये वापस आ गया। वापस आने के बाद रतन टाटा मन में सोचता सोचता रास्ते में आया, जब ये वापस आ रहा है तो पता है क्या सोच रहा होगा, बड़े पैसे वाले लोग बनते हैं, इससे अच्छा तो मैं ही हूं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं चेक तो नहीं देता। ये आ रहा है सोचता 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 आ रहा है कि बड़े पैसे वाले लोग बनते हैं, ये अकाउंट में पैसा है नहीं और ये सब काम करते हैं। इसका दोस्त मिल गया, इसको भी इसने बोल दिया अरे टाटा वाटा कुछ नहीं होता, रतन टाटा नाम का है, 5,000 रुपये तो अकाउंट में है नहीं, रतन टाटा बनने चले, ये बनेंगे टाटा, कुछ काम का नहीं है। इसके दोस्त ने बोला अच्छा, इसके दोस्त ने और बताया, तो ये बातें बताओ कितनी तेजी से फैलेगी मार्केट में, बहुत स्प्रिटली एक बार ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया है कि रतन टाटा का चेक हुआ बाउंस, तो बोलेगा अरे रतन टाटा तो दिवालिया हो गया बेकार। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसकी रेपुटेशन, रतन टाटा की रेपुटेशन क्या हुआ, डाउन या बिल्कुल डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई, और बेइज्जती का कारण कौन था, बैंक। रतन टाटा गया बैंक के पास, एसबीआई के पास, और इसके मैनेजर से बोलता है भाई देखो तुम्हारे बैंक से मेरा 1,000 करोड़ रुपए का लोन चलता है और आपने एक 5,000 रुपए का विश्वास नहीं किया, आप पैसे दे ही देते तो क्या होता। मैनेजर ने बोला सर ऐसी बात है कि हम रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, ये तो रूल है ही नहीं। बोला भाई तुम्हें रूल अपना प्यारा है, मेरा अकाउंट बंद करो, ये लो पैसे हम किसी और में जा रहे हैं। तो बैंक ने इसको अगर 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए लोन दे रखा है और 1% भी ब्याज लेते हैं, तो 1% के ब्याज में भी ये लो, तो अगर 1% भी ब्याज लेता है तो 1% के ब्याज में भी अगर देखा जाए तो 1,000 करोड़ का 1% कितना होगा, कितना होगा बताओ, 100 करोड़ का 1%, 1 करोड़, 1,000 करोड़ का 1%, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए इसके क्या बनेंगे ब्याज, उस 10 करोड़ कि इसकी इनकम है हर महीने की, और 5,000 के चक्कर में एक क्लाइंट चला जाएगा। इसका मैनेजर घबरा गया, मैनेजर बोलता है सर सर टाटा जी आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने बोला देखो तुम्हारी वजह से मेरी मार्केट में बदनामी हुई, मेरे शेयर्स के प्राइस नीचे आ गए, मेरी मार्केट में थू थू हो रही है, आपके मेरे ड्राइवर के सामने मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इस सिचुएशन में रतन टाटा कहता है कि भाई मेरा अकाउंट बंद करो। मैनेजर ने बोला सर माफी दो मैं आपके लिए कुछ करता हूं। मैनेजर ने बोला देखो, मैनेजर आ गए, ये मैनेजर है और ये रतन टाटा, दोनों वन टू वन बात कर रहे हैं। बोल रतन टाटा ने मैनेजर से बोला भाई अकाउंट बंद करो। मैनेजर बोलता है देखो सर हम आपके लिए, हमारे आप इतने अच्छे कस्टमर हो, आपके लिए हम एक फैसिलिटी लेके आए हैं, सिर्फ आपके लिए है, आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी होगा ना तो
तो हम अपने सिस्टम में एक ऐसा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि आपके पैसे निकल जाएंगे। रतन ने टाटा बोला तो यही तो निकालना था, अगर वो निकल जाता तो उसको पता ही नहीं चलता और इतनी बेइज्जती भी नहीं होती। तो बोला कि सर ऐसा करो, आप क्या करने जा रहे हो? इसने बोला कि देखो, मैं आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल देता हूं, अगर आपका चेक आपके अकाउंट में भले ही बैलेंस 0 हो, चेक आप 50 करोड़ का भी दोगे ना, हमारा जो कैशियर है वो 50 करोड़ देगा, आपकी बदनामी नहीं होने देगा। लेकिन सर 50 करोड़ रुपए 0 के बाद आप निकाल रहे, तो इसका ब्याज लूंगा मैं, ब्याज लूंगा मैं, और ये 50 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। बोला देने क्या पड़ेंगे, जैसे ही अकाउंट में आएगा काट लेना भाई तुम। तो बोला हाँ ठीक है। बोला ब्याज व्याज इतने ब्याज देते हैं यार तुम्हें, तुम ब्याज की बात करो, ले लेना ब्याज जितना ही बनता है, बेइज्जती तो नहीं होगी। तो ब्रांच मैनेजर ने इसके अकाउंट में, करंट अकाउंट में एक मैसेज लिख दिया कि ये रतन टाटा का है और इसको फैसिलिटी दे दिया जाए कि 0 के बाद भी बैलेंस निकालेगा। तो 0 के बाद अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, 50 लाख निकाल लिया तो -50 लाख, तो माइनस में चला गया बैलेंस। तो अगर इसका बैलेंस माइनस में चला गया तो अब रतन टाटा को बैंक वाले को पैसे देने हैं नहीं देने, भाई जो माइनस में निकाले हैं देने हैं। तो इस फैसिलिटी को 0 के बाद जब आपके अकाउंट के बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक तो है ही है, ओवर का मतलब क्या होता है बताइए, ज्यादा। ओवर का मतलब क्या होता है, ज्यादा ज्यादा निकाल लेना। इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से पैसे ज्यादा निकाल लेना। तो अब बताओ, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रतन टाटा करता है तो इसके ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी है या एसेट है? सच सच बताना, क्या बताओ सर? अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट करता है तो इसको तो पैसे बाद में देने पड़ेंगे। हाँ बेटे देने पड़ेंगे। तो क्या है बताओ? तो देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गया ये तो। ओहो इतनी छोटी सी बात अब समझ में आया कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। हाँ जी, जब हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होते तब हमारे अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। बाद में उसको हमें वापस कर दिया जाता है हमारे द्वारा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हर किसी को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रेपुटेटेड पर्सन को मिलता है जिसका वहां पे अकाउंट है। किस बिहाफ पे दिया जाता है, वहां के स्टॉक, उनका रेपुटेशन, एंट्री वगैरह देख के बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। तो समझ में आया बच्चे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट? तो आप फटाफट से एक बार बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन को नोट करो, मैं रीड भी कर देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन को। और एडवांस इनकम, एडवांस इनकम अभी लिखा था ना, नहीं रीड किया, कर देते हैं। देखो, इनकम रिसीव इन एडवांस क्या कहता है, सम टाइम एन अमाउंट इज रिसीव ड्यूरिंग अ ईयर, कभी कभी हम कुछ पैसा रिसीव कर लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, इनकम के रिस्पेक्ट में, दैट रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, जो कि रिलेट किससे करता है, नेक्स्ट ईयर से, यानी अगले साल मिलना था लेकिन मैंने रिसीव अभी कर लिया, कॉल्ड एज इनकम रिसीव इन एडवांस, या अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, जिस पैसे को नहीं कमाया गया। तो ये तो लास्ट डेफिनेशन था। बैंक ओवरड्राफ्ट नोट करिए आप, अगर आपको नोट्स मिल गया है तो नोट में से देख के कॉपी कर सकते हैं, आप समझिए, अंडरलाइन करिए, लेकिन नोट्स नहीं मिला तो वो लिख भी लें। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब निकालना, आउट ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट ड्रॉइंग है आउट ऑफ बैंक अकाउंट, निकाला जाता है मोर देन व्हाट हैव बीन डिपॉजिट इन इट, मोर देन ज्यादा निकाला जाएगा, हैज बीन डिपॉजिट इन, जितना उसने जमा किया है उससे कहीं ज्यादा निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आया आपको बात? चलिए फटाफट से आप एक बार ये नोट करिए, फिर हम अगले और डेफिनेशन देखेंगे। इंटरेस्टिंग, आज बड़े ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डेफिनेशन करेंगे, आज तो मजा आने वाला है, आज तो बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। तो फटाफट से आप इसको एक बार नोट करिए। कर लिया नोट, चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं, इसे मिटा देते हैं ना, एक एक करके सीखेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप बस एकदम मन से देखना है
मन से समझना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके एग्जाम में रह जाएंगे अकाउंट से रिलेटेड। बस विश्वास रखना है खुद पे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू, रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है आपका आय, ठीक है। ध्यान से समझना क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे आपका डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा और मतलब भी चेंज हो जाएगा। देखो रेवेन्यू क्या होता है, जैसे मिस्टर राम है, मिस्टर राम, मिस्टर राम ने क्या करा, सेल्स किया, इसके बिजनेस है और बिजनेस में काफी सारी चीजें आती हैं इसका, ये सेल करता है। सेल करा मोहन को, मोहन को सेल किया, इतने इसको 5,000 रुपए दिए, चलो अच्छी बात है। सोहन, सोहन से इसको रेंट मिला, इसने 2,000 रुपए दिए और अच्छी बात है। टीना, टीना से कमीशन रिसीव किया, ये रेंट है बेटे। और रेंट के बाद अगर मैं बात करूं मोहन से, तो ये है हमारा सेल, सेल तो लिख दिया, चलो टीना से कमीशन मिला, कमीशन मिला 1,000 रुपए। राम ने कहीं शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, शेयर मार्केट में, और यहां से जब शेयर मार्केट से प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड मिला 2,000 रुपए। टोटल पैसा कितना मिला इसे, टोटल 5, 2, 7 और 1, 8 और 2, 10, 10,000। ये जो 10,000 है हमारा, इस पूरे 10,000 को हम किस नाम से जानेंगे, रेवेन्यू के नाम से जानेंगे पूरे 10,000 को। तो रेवेन्यू देखो बड़ा ही आसान है। रेवेन्यू क्या होता है, जब कभी भी कोई बिजनेसमैन जब अपने पास रिसीव करता है, चाहे सेल से रिसीव करे, चाहे इंटरेस्ट से रिसीव करे, चाहे कमीशन से रिसीव करे, चाहे रेंट से रिसीव करे, इसको किस नाम से जानते हैं हम, रेवेन्यू के नाम से हम जानते हैं। तो रेवेन्यू का मतलब होता है हमारा कि हम क्या रिसीव कर रहे हैं रेवेन्यू। जैसे रेवेन्यू में क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, सेल्स, ये सारी चीजें रिसीव। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। अभी दो तीन एग्जाम्पल लूंगा तो बहुत क्लियर होगा कि अच्छा इस पार्ट को रेवेन्यू बोलते हैं। एक बार मैं रेवेन्यू की डेफिनेशन अगर मैं पढ़ दूं, कहता है द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट चार्ज फॉर द गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडेड, जो हमने सामान चार्ज किया आपसे, जो सामान बेचा उसके बदले जो आपने दिया, जो सर्विस आपको दिया उसके बदले जो आपने दिया, परमिटिंग अदर टू यूज एंटरप्राइजेस रिसोर्स, यील्ड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, फॉर एग्जाम्पल सेल, कमीशन, अर्न इंटरेस्ट, अर्न रॉयल्टी, अर्न डिविडेंड, अर्न, इन सबको जब हम रिसीव करेंगे तो इसको सिंपल क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रेवेन्यू के नाम से। तो रेवेन्यू का मतलब होता है आय। तो एक बार इसको नोट करिए और अपने लैंग्वेज में जैसे मैं समझाता जाता हूँ ना, तो कई बार अपने लैंग्वेज में जरूर लिखना है कि रेवेन्यू का मतलब ठीक क्या है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप रेवेन्यू नोट करिए, इसके बाद हम अगले पॉइंट को देखते हैं। एक बार रेवेन्यू नोट करिए, आप जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट रेवेन्यू को, तो एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी रेवेन्यू कराना आपने नोट, रेवेन्यू के बाद देखो एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा और ज्यादा क्लियर होगा। जब तक ये अच्छे से समझ नहीं आया था इसको छोड़ना नहीं है। रेवेन्यू के बाद अगले पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करूं तो इनकम, इनकम, इन दोनों में फर्क क्या है रेवेन्यू और इनकम में? इनकम का मतलब क्या होता है बताओ सर? इनकम का मतलब भी तो वही है, इंटरेस्ट अगर रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है, अच्छा कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। हाँ, अब इस दोनों में फर्क देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूं। मोहनलाल ने, चलो आपने इतनी रिक्वेस्ट करी, नाम बदल दिया मैंने, मोहनलाल कर दिया। एक मालिक है इसका दुकान, ये झोपड़ी नहीं है,
इसका बिजनेस है, किसी के बिजनेस का मजाक नहीं उड़ाते, इसका दुकान, बिजनेसमैन है। इसकी इनकम देखो कैसे निकालेंगे, इसने सेल्स किया, इसने सेल्स किया, अरे क्या लिख दिया मैंने, क्या हो गया है मेरे मार्कर को, सही से चल नहीं रहा। सेल्स किया है, सेल्स किया है इसने मोहन को, मोहन तो खुद ही है भाई, सोहन को 2,000 रुपए का। इसने कमीशन रिसीव किया 3,000 रुपए, तो जो ये 5,000 रुपए है इसको बोलेंगे रेवेन्यू। इसके बाद इसके खर्चे हैं, रेंट दिया है इसने, रेंट पेड किया है, रेंट पेड किया है 1,000 रुपए का। इसके बाद इसके खर्चे हैं, सैलरी दिया है 2,000 रुपए, टोटल खर्चे कितने हो गए 3,000। तो अगर मैं इस 5,000 में से 3,000 को माइनस कर दूं तो बचे कितने 2,000, इसको इनकम कहेंगे हम, ये हमारा इनकम है, इनकम। तो अब क्या डिफरेंस थोड़ा क्लियर हुआ, रेवेन्यू का मतलब जो आ गया सो रेवेन्यू है, लेकिन एक्स इनकम का मतलब होता है उसमें से खर्चे भी माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम बोलते हैं। समझ में आई बात इनकम? एक बार इनकम की डेफिनेशन पढ़ देता हूं मैं, अभी बहुत कंफ्यूजन है, अभी और भी आगे चलेंगे। इनकम की डेफिनेशन देखिएगा आप नोट्स में, कहता है इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ ईयर। इनकम वो है जो प्रॉफिट कमाया जाता है ड्यूरिंग अ ईयर। इन अदर वर्ड, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इज टर्म्ड इनकम। इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द टर्म्स प्रॉफिट, इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग, हमने एक सामान 15,000 का बेच दिया 12,000 में, तो 15,000 रुपए का मेरा एक्सपेंस था और बेचा मैंने, सॉरी 21,000 का बेच दिया, 15,000 रुपए का मैंने कितने का बेचा, 21 का, तो 15,000 का हमारा एक्सपेंस था, 21 का बेच दिया, तो 6,000 रुपए कमा लिए। तो जो 21,000 का बेचा है तो 21,000 को रेवेन्यू बोलेंगे, और जो 6,000 कमाया है उसको क्या बोलेंगे, इनकम। तो समझ में आया इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट ही है। तो चलिए फटाफट से एक बार आप रेवेन्यू तो अभी देखा, इनकम को नोट करिए फटाफट, इनकम को एग्जाम्पल लिखते जाना है, कभी भूलोगे नहीं, इनकम नोट करिए आप। कर लिया नोट इनकम, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये चला गया इनकम का डेफिनेशन खत्म, इनकम के बात करते हैं हम, क्या करें इनकम के बाद, प्रॉफिट। सर ये एक ही जैसे वर्ड है, ये हम तो सबको एक ही बात बोलते थे लाइफ में, नहीं फर्क है प्रॉफिट में। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो अब प्रॉफिट में मुझे समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट क्या होता है। हमारे बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है और कुछ खर्चे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कुछ इनकम है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और कुछ इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो मैं प्रॉफिट की बात करूं, मेरा काम बुक का स्टोर है, अब नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया मैंने, मेरा बुक का स्टोर है, और ये रहा मैं अनुज, और ये मैं हूं बुक का स्टोर। बुक के स्टोर में हुआ क्या बताना, ये मेरे बिजनेस का इनकम है या बिजनेस से अलावा ऊपरी कमाई है। बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई काम करता है गवर्नमेंट के अंदर और वो जॉब करता है, जॉब करने के बाद जो सैलरी रिसीव कर रहा है वो तो उसका सैलरी नॉर्मल इनकम है, ऊपर से कहीं इधर उधर से रिश्वत रिश्वत लेके कमीशन वमीशन कमा लिया तो वो ऊपरी कमाई बोलते हैं ना, सुना होगा आप सबने, नहीं करना, ईमानदार बनना है एकदम। ईमानदारी में बहुत ताकत है, मन की बहुत तसल्ली होती है इसके अंदर, खुद के अंदर आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। दूसरे से क्या मतलब, अगर हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं वही बहुत बड़ी बात है। बुक के अंदर, बुक की, मेरी बुक की दुकान है अनुज की, मेरी खुद की दुकान है। अब बताना, मैंने ओल्ड कूलर बेचा, ओल्ड कूलर बेच दिया,
क्या ये मेरा, क्या ओल्ड कूलर, एक पुराना कूलर पड़ा था टूटा फूटा, क्या ये मेरा बिजनेस का इनकम है? क्या बिजनेस से रिलेटेड काम है? मेरा काम पुराना कूलर बेचना है? नहीं सर, ये बिजनेस इनकम नहीं है। मैंने मकान का किराया या फिर मुझे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव, क्या मेरे बिजनेस का इनकम है ये? मेरा बिजनेस का इनकम तो मैं बताऊं बेटे, बताऊं मैं स्टूडेंट, तो बिजनेस का इनकम क्या होता है? बिजनेस का इनकम मेरा सिर्फ और सिर्फ होता है सेल्स। सेल्स सर, कूलर भी तो बेचा ही है, क्यों पागल बना रहे हो बच्चे? सेल्स, गुस्सा मत हो। सेल्स का मतलब क्या? सेल्स का मतलब बिजनेस का सेल, बिजनेस का सेल, जिस चीज का काम करते हैं। बुक वाले का है तो इसका सेल क्या होगा? रजिस्टर, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें। सब्जी वाले के लिए सब्जी सेल होगा, परचून की दुकाने वालों के लिए दाल चावल आटा, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए एसी फ्रिज, तो ये सेल। सेल की डेफिनेशन भूल गए इतनी जल्दी? सेल, गुड्स। तो ये बिजनेस का इसका काम नहीं है, ये ऊपरी कमाई है, तो इसे काट दो। इसके बाद मैं खर्चे की भी बात करता हूं। एक तो मान लो मेरा लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया मेरे सामान दुकान से, तो क्या ये मेरे बिजनेस का खर्चा है या मेरी लापरवाही? मेरी लापरवाही बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस का खर्चा क्या होगा सर? बिजनेस का खर्चा हमारा होगा जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, वर्कर का सैलरी और स्टेशनरी का खर्चा, ये सब बिजनेस का खर्चा है मेरा, ये खर्चा नहीं है बिजनेस का। चलिए और सर, और बताएं हमें बिजनेस का खर्चा क्या नहीं है। और मैं बताता हूं, इंटरेस्ट पेड, क्या मेरा काम ब्याज देना है? इंटरेस्ट पेड करना क्या मेरा काम है? बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है? नहीं सर, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो बच्चे जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये जो मैंने बताया दो, ये दोनों इनकम था, इनकम था, और जो ये दोनों बताया, ये क्या है हमारा? एक्सपेंस है। तो इनकम और एक्सपेंस है, तो इनकम का मतलब होता है हमारा, ये जो इनकम है, आपने बोला सर ये बिजनेस का इनकम नहीं है, अलग इनकम है, तो मैं इसको इनकम साधारण इनकम नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, तो इसे क्या बोलेंगे? ये खर्चा क्या बिजनेस का है? नहीं, इसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस के अलावा खर्चा। तो जो प्रॉफिट निकाला जाता है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर लिखूं मैं, तो ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर ये तो खर्चे इनकम को माइनस से इनकम में भी देखा था हमने, बिल्कुल सही, लेकिन इसके अंदर दोनों मिक्स था। चलो एग्जाम्पल आप मुझे बताना, देखो सेल्स 5,000, इंटरेस्ट रिसीव, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, इंटरेस्ट रिसीव दो हजार, ठीक है बच्चे, सैलरी पेड किया, सैलरी इनकम नहीं होता, मालिक बनो, नौकर नहीं बनना, सैलरी 500 रुपए, मेरा लॉस वाई थेफ्ट है 200 रुपए, आपको यहां फाइंड करना है रेवेन्यू, आपको यहां फाइंड करना है इनकम, आपको यहां फाइंड करना है प्रॉफिट, तीनों चीजें फाइंड करना है। चलिए रेवेन्यू जो रिसीव करेंगे कुछ भी हो, हमने अभी देखा था, चाहे कमीशन हो कुछ भी, तो रेवेन्यू दो चीजें रिसीव करी है, तो रेवेन्यू बोलोगे सर रेवेन्यू 7,000 है, 5,000 प्लस 2,000, सर इनकम, तो खर्चे को माइनस करते हैं, बिल्कुल सही, 7,000 में से सारे खर्चे माइनस कर दो, 700 रुपए, तो ये आएगा हमारा 40 सॉरी 6,300 रुपीस,
सर प्रॉफिट क्या है? अब ऑपरेटिंग चेक करो, क्या सेल हमारा ऑपरेटिंग है? बिल्कुल, सेल ऑपरेटिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव? नहीं सर। सैलरी ऑपरेटिंग खर्चा है? बिल्कुल। लॉस बाय थेफ्ट? नहीं सर। तो इसका इन दोनों से रिलेटेड है। तो प्रॉफिट होगा हमारा 5,000 माइनस में 500, तो प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा? 4,500। और मजे की बात बताऊं तो प्रॉफिट को दो हिस्से में बांट दिया जाता है। हम आगे देखेंगे, एक ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक नेट प्रॉफिट। क्या होता है नहीं होता है मैं इसके बारे में समझाऊंगा, आगे चलेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। तीनों में डिफरेंस पता चला? रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट। हाँ सर, ये तो हमें आज पता चला, नहीं तो तीनों को एक ही समझते थे। चलिए प्रॉफिट का डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉफिट मीन इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एंटरप्राइजेस बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट फर्दर डिवाइडेड इनटू द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सिंपल है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? अगर मेरा स्टेशनरी का काम है, मकान का किराया, वर्कर का सैलरी, चाय पानी का खर्चा, यानी बिजनेस के अंदर जो खर्चा होता है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। और ऐसे खर्चे जो कि अचानक से हो गए, मान लो कमेटी वाले आ गए, अरे यार मेरा सारा स्टॉल स्टॉल तोड़ के चला गया यार, झंझट हो गया, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो ये ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो कभी कभी हो जाता है। आग लग गई है भाई, यार शिट, दुकान में आग लग गई, अब क्या करें, इतना नुकसान हो गया, इतना खर्चा हो गया, तो ये बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर? तो ये चलिए अब इसको एक बार नोट करिए, फिर हम चलेंगे एक और इसी से रिलेटेड डेफिनेशन करेंगे। आज आपको प्रॉफिट में मास्टर बना दूंगा मैं, एक और डेफिनेशन करेंगे। चलिए फटाफट से नोट करिए, नोट करिए आप। कर लिया नोट? चलिए इसे इरेज कर देते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। सर बहुत मजा आ रहा है आज, तो एक और डेफिनेशन करा दो मुझे। चलो आपको मजा आ रहा है, एक और डेफिनेशन कराते हैं फिर। एक और डेफिनेशन, गेन। गेन सर, गेन। गेन का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी आपका होता है आय, और इसका मतलब भी आप आय मान लो, प्रॉफिट ही मान लो इसका मतलब। तो सर गेन फिर से प्रॉफिट। हाँ देखो, एक तो प्रॉफिट था बिजनेस के सेल से और एक्सपेंस से, जो माइनस करके हमने पैसे कमाया था उसको तो हमने प्रॉफिट बोला था। लेकिन गेन क्या होता है? जब कभी भी ऐसे प्रॉफिट कमाओ जो कि अचानक से हो जाए, एकदम बिजनेस का नहीं है वो, जो मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम बात कर रहा था वो गेन के अंदर कवर्ड होगा। जैसे मैंने अपना मशीनरी बेच दिया, और मशीनरी बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाया वो बिजनेस का तो नहीं है, अपने दुकान का मशीनरी बेच दिया मैंने पुराना स्क्रैप, तो वहां से जो प्रॉफिट कमाया वो बिजनेस का तो नहीं है, उस प्रॉफिट को बोलेंगे गेन। सेल्स करने के बाद जो हमने पैसे कमाया वो तो बिजनेस का है, तो उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट। तो यहां पे गेन और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? गेन की बात करता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। राम, मैंने क्या करा, राम ने क्या करा, कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं। सेल किया इसने, सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे इसने। कितने
कितने का? 2000 का। इसने क्या करा? प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट या इसने, सही, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स, फिक्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ एसेट लिखते हैं अभी, एसेट्स 1000 रुपए। इसका सैलरी दिया इसने, सैलरी दिया 2000 रुपए, बहुत ज्यादा दे दिया, 500 रुपए करो, कम करो भाई सैलरी, महंगाई ज्यादा हुई। सैलरी के बाद इसका लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट है आपका 100 रुपए का। इंटरेस्ट रिसीव किया इसने, इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव कितने का? 500 रुपए का। ये सारा काम इसने किया। अब हमें यहां पे निकाल के दिखाना है क्या क्या चीज, चारों चीजें। सबसे पहले आप बताओ रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है सर? जितना पैसा रिसीव होगा सब रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिट ये भी आया रेवेन्यू। इसके बाद हमारा प्रॉफिट के बाद रेवेन्यू में नहीं, ये पैसा रिसीव नहीं किया प्रॉफिट, इसको नहीं लेंगे। रेवेन्यू जितना कमाया, इसके बाद क्या आया? इंटरेस्ट। ये तो प्रॉफिट नेट है, जितना पैसा सिर्फ आया, प्रॉफिट में पैसा थोड़ी आता है। प्रॉफिट में कभी पैसा आता है कि आपने मशीनरी 10,000 का 12,000 में बेचा तो क्या 2000 रुपए पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसके बाद बस दो चीजें, रेवेन्यू की बात करोगे तो रेवेन्यू मैं बोलूंगा सर 2000 प्लस में 500 रुपए, यानी रेवेन्यू है 2500 रुपए। किसी को डाउट? सर नहीं डाउट, ये तो पहले ही पता था। इनकम, इनकम, इनकम बात करते हैं, 2000। अब ये भी जुड़ेगा इनकम में, 2000 एक 3000, इनकम का तो पार्ट है ही है, 3000 और 500 तो 3500, 3500 रुपए टोटल रिसीव है। खर्चा कितना हुआ माइनस करिए, 500 और एक 600, माइनस 600 तो इनकम क्या हो गया? 2900। हाँ जी, प्रॉफिट, प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या था? बिजनेस से रिलेटेड। तो प्रॉफिट की मैं बात करूं ऑपरेटिंग की, तो सेल बिल्कुल ठीक, 2000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। खर्चा सिर्फ ये है 500 रुपए, 500 रुपए तो कितने का आएगा? 1500 रुपए का। अच्छा, अब चलिए आगे, प्रॉफिट के बाद गेन। गेन क्या है सर? गेन, गेन तो सिर्फ हमारा 1000 है। तो समझ में आया अब डिफरेंस आपको तीनों में? तीनों में देखो आंसर अलग अलग है एक एग्जांपल के अंदर। तो गेन होता है जब हम प्रॉफिट कमाते हैं किसी फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद, या कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है, उस केस, कोर्ट के केस को जीत जाते हैं, उसको गेन बोलते हैं। अगर मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया, कुछ पॉइंट्स पूछना चाहता हूं, बहुत सारा पैसा हो गया तो मेनली आपके पॉकेट में कौन से पैसा रहेगा? इस दो पैसे की बात होगा। इस पैसे को अगर रखना है ना, तो यहां से प्रॉफिट से निकाल के कहीं और रख दोगे, जैसे बैंक से निकाल के कहीं और रख दोगे, तो इस पैसे को अगर रखना है तो इसको रखेंगे हम जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में। लेकिन ये पैसा साधारण पैसा नहीं है, ये कभी कभी होने वाला इनकम है, एकदम से इनकम नहीं होता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हर बार थोड़ी होगा, लेकिन ये तो हर बार ही होगा। इसको रखेंगे हम कहां पे? जनरल रिजर्व में। और इस वाले प्रॉफिट को कहां पे रखेंगे? इस वाले प्रॉफिट को रखेंगे हम कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। क्या समझ में आई बात आपको? इस वाले प्रॉफिट को रखा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, इसका भी हमें अगर डिफरेंस पूछा जाएगा करेंगे हम आगे, चिंता मत करो। तो जनरल रिजर्व में कौन सा प्रॉफिट रखा जाता है? जो बिजनेस से इनकम कमाया जाता है उस फायदे को जनरल रिजर्व में रखा जाता है, और जो कभी कभी इनकम कमाया जाता है उसको कहां रखा जाता है? कैपिटल रिजर्व में। जनरल रिजर्व कहां यूज कर सकते हैं? आपकी इच्छा है बेटे, कहीं भी यूज करो बच्चे। और कैपिटल रिजर्व कहां यूज कर सकते हैं? कैपिटल रिजर्व गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही यूज किया जा सकता है, या हमें लॉस हो जाता है ना तो हमारे पास रिजर्व पड़ा होता, तो इस रिजर्व में से हम लॉस को क्या करते? माइनस कर देते। तो अब देखो तीनों चारों पॉइंट एक जैसे हैं, इसलिए मैंने एक साथ करने की कोशिश करी। एक बार फटाफट से गेन की भी डेफिनेशन पढ़ ले, क्या लिखा है गेन की डेफिनेशन? बस दो लाइन का डेफिनेशन है बच्चे, कहता है इट इज मॉनेटरी बेनिफिट प्रॉफिट फ्रॉम एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट ट्रांजेक्शन
विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच सेल ऑफ फिक्स एसेट्स विनिंग अ कोर्ट केस। तो इस तरीके की इनकम को क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, कि ये इंसिडेंटल होता है फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद या कोर्ट में केस जीतने के बाद। अब फटाफट से नोट करिए इस एग्जाम्पल को, इसके बाद और हम अब देखेंगे लॉस को। जल्दी से नोट करिए फटाफट, फिर लॉस की चर्चा करेंगे हम। कर लिया नोट? चलिए, जिसने थोड़ा, मैं जल्दी मिटा रहा हूं इसे, जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो के अंदर उसको पॉज करके नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए बच्चे, मिटा दूं? हाँ सर, इसे मिटा दो। कुछ और नई बातें बताओ, आज तो बहुत सारी नई नई बातें पता चल रही है और इसको सीखने में मजा भी आ रहा है। इनफैक्ट मैं बात करूं, कॉमर्स के भी जो स्टूडेंट है उनको भी कई बार ये डिफरेंस नहीं पता होता, ये सबको एक ही चीज मान के कर देते हैं छोटी छोटी, लेकिन आपके एग्जाम में एमसीक्यू जो होता है ना, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन होता है। सारे ऑप्शन ऐसे ही दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा नेट प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ, सारे इनकम दे दिया जाएगा, तो आपको ढूंढना है नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का पार्ट कौन सा होगा, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम से जो कमाया जाए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, लॉस। लॉस में ज्यादा कुछ नहीं है, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। लॉस लॉस क्या होगा, देखो मान लेते हैं मेरा सेल्स 10,000 है और मैंने वर्कर को सैलरी पेड कर दिया 2,000 का, और मेरा मकान का किराया चले गया 8,500 का। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, लॉस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देता हूं, आपका खर्चा ज्यादा होगा तो लॉस कब होगा, जब एक्सपेंस ज्यादा होगा, एक्सपेंस माइनस में इनकम, एक्सपेंस माइनस में इनकम या एक्सपेंस माइनस में आपका रेवेन्यू बोल दो, यहां इनकम कर देता हूं, रिसीव कर दो, इनकम कर दो, कंफ्यूज मत होना बस, अब इनकम जो कमाया है तो यहां पे आएगा एक्सपेंस 10,500, इनकम कितनी हुई मेरी, यस रेवेन्यू कर देता हूँ, ठीक है, लो बेटे रेवेन्यू, आपने तो सीख ही लिया रेवेन्यू, चलो ठीक है, तो 500 रुपए का आपका माइनस में बैलेंस है तो लॉस है। कई बार आप ध्यान रखना, अगर मैं लिखता हूं ना बुक में, लिखा देखो 500 रुपए का प्रॉफिट और ऐसे ब्रैकेट में डाल दे, तो इसका मतलब प्रॉफिट भले ही लिखा है लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलिए, तो लॉस का डेफिनेशन कोई इतना मेजर नहीं था, सिंपल था कि जब खर्चे हमारे ज्यादा हो जाए किससे, इनकम से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लॉस बोलते हैं। चलिए लॉस का डेफिनेशन देखते हैं आपके, इसमें लॉस का डेफिनेशन कहता है द टर्म कन्वे टू डिफरेंट मीनिंग, दो अलग अलग मीनिंग है। फर्स्ट कन्वे द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड टोटल एक्सपेंस एक्सीड, जो टोटल खर्चा है वो एक्सीड हो जाए, यानी टोटल खर्चा वो एक्सीड हो जाए द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू आपका 1 लाख है और एक्सपेंस 1,20,000, तो लॉस 20,000, कितना आसान आंसर था, ये भी कोई बताने वाली बात थी, मेरा मन किया मैंने बता दिया, आज तो बस मैं आपका वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, कोई बात नहीं आज आपका टाइम खराब करूंगा बस मैं, इसको एक बार नोट कर गया, ठीक है, इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट करेंगे, नोट करिए जल्दी जल्दी।
कर लिया नोट। चलिए अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट करेंगे। मैंने कहा कि आज आपको कुछ नहीं करना, आज बस मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ नई नई बातें बताऊं, बोर नहीं होना। चलो हम बात करेंगे डिस्काउंट की, हम बात करेंगे डिस्काउंट की। सर ये डिस्काउंट भी बताने वाली बात है क्या? डिस्काउंट हम जहां देखते हैं वहां खुद ही पहुंच जाते हैं, आप क्या बताओगे डिस्काउंट क्या होता है? अच्छा फिर भी मेरा मन कर रहा है, एक बार मैं बता देता हूं। डिस्काउंट को बिजनेस के अंदर दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। हाँ सर ट्रेड डिस्काउंट तो कुछ नया नाम सुना है। एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। सर छोड़ो ना, क्या बातें कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। चलो बातें करते हैं कुछ, आजकल कोरोना वायरस बहुत फैल गया, इसके बारे में कुछ बताओ कैसे चल रहा है। अरे नालायको इसको छोड़ो, डिस्काउंट की बात करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। छोड़ो सर ट्रेड डिस्काउंट, चलो बस एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फिर छोड़ दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा बोलते हैं, बट्टा, ठीक है। ट्रेड व्यापार डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, समझना आप। ट्रेड डिस्काउंट का पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है बाय गेट, बाय गेट, गेट बाय वन गेट फाइव फ्री। सर ऐसा तो नहीं देखा बेटे, मैंने देखा है बच्चे, मैंने देखा है ऐसा होता है। अच्छा मैंने तो ऐसा भी देखा है बाय वन गेट टेन फ्री, ऐसा ऑफर सर मुझे बता दो कहाँ मिलता है, मैं ले लूंगा अभी, पहले देखो। इसके बाद और 50% रेड से लिखा होता है ऑफ। हाँ सर ये भी देखा है, इसमें क्या नई बात है। और देखो अप टू 20% ऑफ, बिल्कुल सर ये भी देखा है। और फ्लैट फ्लैट 60% ऑफ, सर ऐसा भी देखा है। क्या टाइम खराब कर रहे हो, अब देखो अब टाइम खराब नहीं करूंगा, अब काम की बात है, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में कुछ सुनाने वाला है। ये डिस्काउंट जो है बाय वन गेट फाइव फ्री, इसको मैंने सही से रिसर्च किया तो मैंने क्या पाया, मैं गया एक शर्ट पे और ये मुझे आपका जो डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे पास में ही मधुबन चौक है पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, वहां पे ऐसे बहुत सारे शोरूम है, कुछ कैंटाबिल का है, कुछ अलग अलग कंपनी के शोरूम है, वहां पे मैंने देखा ऑरेंज वगैरह का था शोरूम था। मैं वहां गया और मैंने बोला भाई साहब ये शर्ट कितने की है, उसने बोला ऑफर लगा था, मैंने बोला, उसने बोला कि शर्ट जो है आप पांच एक लो और पांच फ्री पाओ, मैंने बोला टोटल छह, सच में या फिर आप कस्टमर को पागल बना रहे हो? उसने बोला सच में भाई साहब आप लो और मैं देता हूँ पांच फ्री, ऐसे क्या बात कर रहे हो, मैं दूंगा जरूर। मैंने बोला अच्छा, हम चार पांच दोस्त थे, पांच दोस्त थे, मैंने बोला चल यार ले लेते हैं, दो शर्ट मैं ले लूंगा, एक एक तुम ले लेना, क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि भाई शर्ट दिखाओ, उसने एक शर्ट दिखाया और शर्ट का दिखाया, मैंने बोला भैया अच्छा एक शर्ट लेंगे तो पांच फ्री, बोला हाँ जी, मैंने बोला ये तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, अब इस शर्ट को तो क्या करना चाहिए, हमें ले ही लेना चाहिए, अब हट जाओ घर वालों को भी यहीं पे लेके आएंगे, बड़े अच्छी दुकान मिली। मैंने बोला भैया शर्ट कितने का है, उसने बोला शर्ट 3,000 रुपए का। मैंने बोला कि भैया आप 3,000 रुपए का शर्ट, बोला हाँ भाई 3,000 रुपए का है, बोला सर महंगी नहीं है, बोला सर ऑफर में चल रहा है ये 3,000 का, नहीं तो 3,000 का तो सिर्फ ये शर्ट ही मिलता, पांच तो वैसे दे रहे हैं हम ऑफर में। मैंने बोला भाई शोरूम होगा कुछ भी हो सकता है, आज के टाइम पे तो कुछ भी कह के बेच देते हैं। मैंने बोला अच्छा भाई, मैंने बोला चाहिए नहीं चाहिए, शोरूम से निकला।
निकलने के बाद थोड़ी देर बैठा मैं, बैठने के बाद मेरे माइंड में वही चल रही थी, क्या बातें चल रही थी, एक के साथ पांच फ्री, एक के साथ पांच फ्री। मैं भूलने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या था वो, लेकिन माइंड में बार बार आ रहा है, एक के साथ पांच फ्री, एक के साथ पांच फ्री। घर भी चला गया, घर पे भी मैंने सबसे बातें करी, सबसे डिस्कस करा, अरे एक दुकान में ऐसा था, पागल बना रहे। लेकिन फिर एक दिन फिर चला गया मैं, अगले दिन गया, अगले दिन बोला यार ले लेते हैं यार शर्ट, क्या दिक्कत है, पांच के फ्री तो मिल ही रहा है, तो छह शर्ट आ गए 3,000 में, तो कितने कितने का पड़ा? उसने बोला 500 का। तो 500 का तो वैसे बाहर से भी खरीदते हैं, शोरूम से खरीद लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, 500 का तो बाहर से भी खरीदते हैं, शोरूम से खरीद लेते हैं। और मैंने जाके ये शर्ट खरीद ली, इतना ज्यादा दबाव मेरे ऊपर पड़ गया इसका, मैंने ये शर्ट खरीद लिया। शर्ट खरीदने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं कहीं बाहर गया, मैं सीपी गया, कॉनट प्लेस गया, कॉनट प्लेस में देखा ये शर्ट एक नॉर्मल शॉपकीपर 500 500 सेल 500 करके बेच रहा था। मैंने देखा अरे यार यहाँ तो 500 का मिल रहा है। फिर भी मैंने अपने मन को बनाया, अरे हम ठके थोड़ी गए हैं, हमने तो क्या करा है, 500 का ही खरीदा है, 6 मिले हैं ना, ये चीजें। लेकिन अब आप एक चीज बताओ, इस दुकानदार ने ट्रेड डिस्काउंट जो दिया, क्या इस दुकानदार का कोई नुकसान हुआ क्या? सर नुकसान नहीं, सर कोई नुकसान नहीं हुआ। जब 500 रुपए का दूसरा व्यक्ति यही चीज बेच रहा है, और यही चीज ये 3,000 में अगर आपको 6 पीसेस दे रहा है, तो ये भी तो 500 का ही बेच रहा है, देखो तो इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सर ये डिस्काउंट कहाँ गया फिर? दुकानदार जब डिस्काउंट देता है तो नुकसान होता है, यही तो समझाना है, सारे डिस्काउंट देने पर नुकसान नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो सिर्फ कस्टमर को अपने साइड अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, या कोई खराब डिस्काउंट होता है, खराब गुड्स होता है, कोई मैंने डिस्काउंट बोला, कोई खराब गुड्स होता है उसको फटाफट से सेल आउट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। जैसे 50% ऑफ, 50% ऑफ, और ये 50% ऑफ, ये देखते ही आप बोलते हो चलो देखते हैं एक बार, और देखने के बाद मन बन गया, मन बन गया तो ले ही लेते हो, दुकानदार का तो सेल हो गया। जबकि देखा जाए तो एमआरपी पे ऑलरेडी वो पैसे बढ़ा के डालता है, 1500 रुपए डाल दिया, 750 का नॉर्मल बेचता है, उस दिन 1500 लिख दिया, लेकिन आप 50% ऑफ के चक्कर में क्या होते हो, फंस जाते हो। ये फ्लैट 60% बाय 2/3 ₹100 का, ये सारी स्ट्रेटेजी है। तो ये डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सेल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए ये डिस्काउंट बिजनेस में कहाँ लिखेंगे, बिजनेस में इसका रिकॉर्ड होता है नहीं होता, तो बच्चे इसका नो रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड होता ही नहीं है, इसको लिखा ही नहीं जाता, नो एंट्री विल बी डन इन द बिजनेस। अच्छा तो क्या करें इसका? तो ये हमारा क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट ना तो बिजनेस के लिए, बताओ खर्चा है इनकम है? सर कुछ भी नहीं है ये तो नो इनकम नो एक्सपेंस। जब कुछ है ही नहीं तो बिजनेस में क्या हमें ये दिखाना चाहिए? नहीं, बिजनेस में कभी भी इसकी एंट्री नहीं करेंगे, बस जब बिल बनाएंगे तो बिल में से माइनस करके दिखा देंगे, लेकिन बिजनेस में कभी भी सेल परचेज कहीं भी एंट्री नहीं किया जाएगा। अच्छा ये था ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, तो सर कैश डिस्काउंट क्या होता है, समझते हैं कैश डिस्काउंट को। मान लो मोहनलाल, मोहनलाल लाल, मोहनलाल एक बिजनेसमैन है, और इसने, ये जो मोहनलाल है बहुत गुस्से वाला आदमी है, बिजनेसमैन मोहनलाल, एकदम लाल बना दिया मैंने तो इसको। मोहनलाल ने क्या करा, मोहनलाल ने क्या करा, एक गुड सोल्ड कर दिया, गुड सोल्ड किया, और इससे भारी गलती हो गई। इसने क्या करा, दीपक को सामान बेच दिया, दीपक को सामान बेचा। जब इसने दीपक को सामान बेचा तो दीपक को सामान बेचने के बाद हुआ क्या, दीपक को सामान बेच दिया इसने। किसने सामान बेचा दीपक को, मोहनलाल ने। जब मोहनलाल ने दीपक को सामान बेचा तो सामान बेचने के बाद कितने का सामान बेचा? सर बार बार क्यों बोल रहे हो, 50,000 का सामान बेचा। अगर इसने 50,000 का सामान बेच दिया और दीपक को उधार बेच दिया, गलती तो यही है, उधार बेचा, दीपक से बोला भाई मेरे पैसे दो, मोहनलाल बोलता है किस बात के पैसे देने हैं, मोहनलाल ने दीपक से बोला मेरे पैसे दो, मैंने आपको 5,000 रुपए का सामान उधार बेचा है,
तो मेरे पैसे आप 5,000 रुपए दो। बोला अच्छा 5,000 रुपए। तो बिल्कुल मोहनलाल तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि मोहनलाल ने क्या करा, इसको सामान बेचा है 5,000 का तो ये मांगेगा। लेकिन दीपक के मन में हो सकता है कि अभी पैसे ना हो या इसके मन में कुछ चल रहा हो। दीपक ने टाल मटोल करके बोला कि मोहनलाल बात ऐसी है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। आपने 2 महीने बोले थे, मैं आपके पैसे ला रहा था लेकिन खर्च हो गए, घर पे इतनी मजबूरी आ गई, शादी आ गई, खर्च कर दिए मैंने, मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा टाइम दो। चलो मोहनलाल ने बोला कोई बात नहीं यार, ऐसी बात क्या है, हम दोनों तो इंसान इंसान के काम आता है, लो 2 महीने बाद दे देना आप। 2 महीने बीत गए, दीपक को फोन किया, दीपक ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन मोहनलाल के पास मिल गया दीपक, और दीपक को मोहनलाल ने बोला भाई मेरे पैसे दो। दीपक कहता है यार पैसे प्लीज, मेरे घर पे मम्मी बीमार है, ये है वो है, और फिर मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा टाइम और दो। इसने बोला चलो यार 1 मंथ बाद दे देना, लेकिन ध्यान रखना 1 महीने बाद आप जरूर दे देना, मुझे भी जरूरत है अभी पैसे की। दीपक ने बोला पक्का 101% मैं आपको दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, 1 महीना भी बीत गया, दीपक ने अपना सिम बदल दिया, दीपक उस रास्ते से ही जाना छोड़ दिया, कहीं और से जाता है। मोहनलाल को बहुत गुस्सा आया, वैसे ही गुस्से वाला इंसान है ये। दीपक लाल के घर पे गया, उसने बोला अरे दीपक बाहर आओ, कहाँ हो। उसने बोला उसकी वाइफ ने कि दीपक तो है नहीं जी, दीपक तो बाहर गए हैं। तो अच्छा, दीपक से इसने मांगे पैसे। मोहनलाल ने गुस्से में बोला भाई दीपक को बोल देना पैसे दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैंने तो अपना समझ के उधार दिया था, अपना समझ के सारा इतना टाइम दिया था। उसने बोला ठीक है जी मैं बोल दूंगी, चलिए जी, चला गया गुस्से में। इसके बाद दीपक तो घर में ही था, उसकी वाइफ ने बोला, उसने बोला छोड़ यार वैसे ही आता है, बोलता रहता है। कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद मोहन ने सोचा यार कैसे पैसे रिकवर करे जाए, उसका मार तो सकते नहीं, कैसे पैसे रिकवर किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। अब जब इतना बोला कि कैसे पैसे को रिकवर करें नहीं करें, मोहनलाल को एक आइडिया आया। ये दीपक के पास जाता है, बोलता है भाई दीपक अब बाहर आ जाओ, पैसे मांगने नहीं आया हूँ, वो फाइनल सेटलमेंट करूंगा। दीपक आपसे लेने 50,000 है। बोला हाँ भाई साहब मैं शर्मिंदा हूं, मैं दूंगा आपके पैसे, चिंता क्यों कर रहे हो। मोहनलाल ने बोला वो तो दोगे ही, बस मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपने 10 दिन में पैसे दे दिए तो आपको 40,000 रुपये देने हैं, 50,000 छोड़ो, आप 40,000 में अपना खाता बंद करो, अगर आपने 11वें दिन दिए तो मैं 70,000 रुपये लूंगा आपसे। दीपक डर गया। क्यों डर गया दीपक, कि यार 10 दिन के अंदर दूंगा तो 40 और 10 दिन के बाद दूंगा तो 70। बोला हाँ मैं ब्याज लूंगा, अब देख लो क्या करना है। तो अब मुझे एक जवाब देना, क्या दीपक इसको 10 दिन के अंदर पैसे देने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। सर बिल्कुल ये 10 दिन के अंदर पैसे देने की कोशिश करेगा। तो ये दीपक इसको क्या करेगा, पैसे दे देगा। मोहनलाल के पास कितने पैसे दे देगा, ये 10 दिन के अंदर देगा तो कितने पेमेंट देगा बताओ। तो मोहनलाल को कितने मिल जाएंगे, 40,000 रुपए मिल जाएंगे। अब बताओ मोहनलाल को लेने कितने थे, सर 50,000, मिले कितने, 40। तो डिस्काउंट एक तरीके से इसके लिए क्या हो गया, नुकसान, यानी ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है। तो इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब, जैसे मैंने बोला नो रिकॉर्ड करना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको दिखाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा। सर यही तो फर्क है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस बताओ, तो ट्रेड डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज होता है, ये कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है और ये हर कस्टमर के लिए समान होता है। कैश डिस्काउंट एक परसेंटेज नहीं होता, वो पैसे को जल्दी रिकवर करने के लिए दिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट। जल्दी रिकवर करने को क्या वर्ड लगते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट। जल्दी रिकवर करने के लिए पैसे को दिया जाए तो उसे बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। और बताइए सर, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और बताइए सर, ये आपका कोई ऐसा नहीं है कि कितना परसेंटेज होगा, नहीं होगा, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस माना जाता है, और ये बिजनेस के लिए नो एक्सपेंस नो इनकम माना जाता है। बस समझ में आया। हाँ सर, इतनी सी बात थी और आपने इतना टाइम हमारा खराब कर लिया, क्या करूं, आज मैंने बोला मैं आज आपका सारा टाइम खराब करूंगा, बस आपको देखते जाना है। तो ट्रेड डिस्काउंट,
चलिए पढ़ते हैं डिस्काउंट के इतने तरीके का है। डिस्काउंट को अगर देखें तो क्या कहता है, डिस्काउंट इज रिबेट, और इसको रिबेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना डिस्काउंट को ना हम रिबेट भी बोलते हैं, रिबेट और अलाउंसेस गिवन बाय सेलर टू बायर। इट्स टू टाइप, दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर, जब डिस्काउंट दिया जाएगा सेलर के द्वारा उसके कस्टमर को, तो एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस क्या होता है, जो मेन्यू देखते हो ना, जो मेन्यू में प्राइस होता है उसको बोलते हैं कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यही तो सारी बताया मैंने आपको बात। इट इज डिडक्ट इन इनवॉइस कैश मेमो, इसे डिडक्ट माइनस कर दिया जाता है, किससे, कैश मेमो से माइनस कर दिया जाता है। इट सेल फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स के वैल्यू में से माइनस जरूर करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैश डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू आ कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसे लेने के लिए करा जाए, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेलर अलाउड 2% डिस्काउंट फॉर अ पेमेंट विद इन अ वीक, जब सेलर 2% पेमेंट देने के लिए बात करे, कब, विद इन अ वीक, इट विल बी कॉल्ड डिस्काउंट, इट इज ऑलवेज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस भी दे रखा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। इट इज अलाउड अ सर्टेन क्वांटिटी इज परचेज, जब कुछ क्वांटिटी परचेज करोगे तभी मिलेगा, जैसे 3 खरीदोगे तभी 2 फ्री मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इट इज अलाउड फॉर पेमेंट इज मेड विद इन अ सर्टेन टाइम, ये तब मिलेगा जब आप पेमेंट कर दो उस टाइम पीरियड के दौरान। इट इज अलाउड इंक्रीज द सेल, ये इस क्यों होता है, इससे सेल्स क्या होता है, बढ़ जाता है। इट इज अलाउड गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से जल्दी पैसे लेने के लिए होता है। इट इज डिडक्ट फ्रॉम इनवॉइस और इट इज नॉट डिडक्ट फ्रॉम इनवॉइस, कैश डिस्काउंट कभी भी कस्टमर से डिडक्ट नहीं किया जाता, इसलिए आप कई बार जाओगे तो पेमेंट कई बार आप कैश में बोलोगे ना जी कैश में खरीदेंगे तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट दे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। चलिए अब आप इसको नोट करिए, इसके बाद और भी बहुत ही अच्छे अच्छे डेफिनेशन है, आज तो बहुत मजा आने वाला है। डेफिनेशन है, बस चिंता नहीं करना है, आपको करते जाना है करते जाना है करते जाना है, तो बहुत सारे डेफिनेशन है अभी। चलिए नोट करिए आप इसको, डिस्काउंट, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी नोट करिए, अपने लैंग्वेज में नोट करिए, अपने ओन मीनिंग में नोट करिए इसको।